पानी, जिसने हमारी धरती को आबाद किया, जिसने इस धरती पर जीवन का आगाज किया, जो हमारे शरीर के कण कण में बसा है, जिसके ऊपर ये सारा संसार टिका है। मानव शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना होता है और इस शरीर को स्वस्थ बनाए रखने और नुकसानदायक पदार्थों को बाहर निकाल फेंकने के लिए हमें रोजाना ढेर सारा पानी पीने की जरूरत पड़ती है। आज हमारी धरती का पानी वाटर पोल्यूशन की वजह से हार्मफुल केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, बैक्टीरिया, इंडस्ट्रियल वेस्ट और दूसरे ढेर सारे नुकसानदायक तत्वों से भर गया है। पानी को हमारे घर में पहुंचाने से पहले इस गंदगी को साफ करने के लिए इसमें क्लोरीन मिलाई जाती है, जो इस गंदगी को तो साफ कर देती है, लेकिन इस क्लोरीन युक्त पानी को लंबे समय तक पीने से हमारे शरीर पर कई बुरे असर पड़ते हैं। इतना ही नहीं, कई लेबोरेटरी टेस्ट्स ने यह साबित किया है कि बॉटल के जिस पानी को हम सबसे ज्यादा अच्छा और सुरक्षित समझकर पीते हैं, उसकी बॉटल्स में ही कैंसर जैसी बीमारियों को बढ़ावा देने वाले डाइऑक्सिन्स पाए जाते हैं। अगर हम अपने आसपास नजर दौड़ाएं, तो पाएंगे कि आज से 30-40 साल पहले तक जिन बीमारियों का नाम भी हमें मुश्किल से सुनने को मिलता था, वो आज हमें हर घर में मिलने लगी हैं, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर, एजिंग, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोटापा, आर्थराइटिस, डर्मेटाइटिस, डिप्रेशन, हार्मोनल डिजीजेस, इनफर्टिलिटी, कैंसर और दूसरी ढेरों बीमारियां। सवाल उठता है कि आखिर इस वक्त के दौरान ऐसा क्या बदलाव आया है जिसमें कि इन बीमारियों ने आज लगभग हर घर में घुसपैठ कर ली है। इन पर किसी भी तरह का इलाज काम नहीं कर रहा है। ये हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीकों से नुकसान पहुंचा रही है। लाखों रुपए खर्च करने और रोजाना डॉक्टरों के चक्कर काटने के बाद भी ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है और इन्होंने हमारे शरीर की ताकत को निचोड़ कर इसे अंदर तक खोखला कर दिया है। नमस्कार दोस्त, आइए अब जरा उन बातों पर गौर करते हैं जिनकी वजह से आज हम इन बीमारियों से चारों तरफ से घिर गए हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि इन सब के जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि जिन चीजों की वजह से ये बदलाव आया है वो है हमारा लाइफस्टाइल, हमारे खाने पीने की आदतें और चारों तरफ फैला प्रदूषण। लेकिन जिस चीज ने इस बदलाव में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है वो है हमारा पीने का पानी। ये बात चौंकाने वाली है, क्योंकि हमें आज तक यही समझाया गया है कि अपने पीने के पानी को बॉइलिंग, फिल्ट्रेशन या किसी और तरीके से साफ करने के बाद हमारा पानी एकदम साफ और सुरक्षित बन जाता है। तो फिर ये पानी इतने बड़े बदलाव की वजह कैसे बन सकता है? पीने के पानी की क्वालिटी को नापने के दो खास पैरामीटर्स होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल यानी ORP और पोटेंशियल हाइड्रोजन यानी pH। ORP वैल्यू से पानी की उस क्षमता को नापा जाता है जिससे वो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया को धीमा करता है, और pH वैल्यू से उसके एसिडिक या एल्कलाइन गुण को। कम ORP का मतलब है फायदेमंद पानी और ज्यादा ORP का मतलब है नुकसानदायक पानी। इसके बिल्कुल उलट, कम pH का मतलब है एसिडिक और नुकसानदायक पानी, और ज्यादा pH का मतलब है एल्कलाइन और फायदेमंद पानी। दोस्तों, असल में हुआ ये है कि पानी की सफाई के नाम पर चल रहे क्लोरीनेशन और लगातार हो रहे वाटर पोल्यूशन ने इस धरती के पानी को एसिडिक चीजों से भर दिया है। इस एसिडिक पानी को लगातार पीने से हमारे शरीर के हर सेल में एसिड वेस्ट जमा हो रहा है। इस एसिड वेस्ट ने हमारे शरीर में एसिडोसिस नाम की एक प्रक्रिया को शुरू किया है, जिससे इन सेल्स में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है और वो सांस नहीं ले पा रही है। ऑक्सीजन में आई इस कमी को दूर करने और इस एसिड वेस्ट को बाहर निकाल फेंकने के लिए ये सेल्स अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, और इस एक्शन रिएक्शन की लड़ाई में हमारा शरीर कई खतरनाक और जानलेवा बीमारियों का घर बन गया है। अब सवाल उठता है कि अगर हम इस नुकसानदायक एसिड वेस्ट को किसी तरह बाहर निकाल फेंके तो क्या हमें इन जानलेवा बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा? दोस्तों, आपके इस सवाल का जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन सुनने में ये बात जितनी आसान लगती है
असल में उतनी है नहीं, क्योंकि इस एसिड वेस्ट से छुटकारा पाने के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल और अपने खाने पीने की आदतों को पूरी तरह से बदलना होगा। और हम सब जानते हैं कि ऐसा करना कितना मुश्किल साबित हो सकता है। तो क्या इससे छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं है? बिल्कुल है दोस्तों, एक चीज है जिसके इस्तेमाल से हम इस एसिड वेस्ट से छुटकारा पा सकते हैं, और वो चीज है हमारा पीने का पानी। अगर हम 8 से 10 पीएच वाले एल्कलाइन और ऑक्सीजन से भरपूर पानी को पीना शुरू कर दें, तो हम इस एसिड वेस्ट को निकाल कर बाहर फेंक देंगे और हमारे शरीर में कोई भी बीमारी पनप नहीं पाएगी। दोस्तों, इस बात को महान वैज्ञानिक डॉक्टर ऑटो हेनरिक वॉरबर्ग ने साबित किया है, और उनके इसी काम के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके कहे स्वर्ण अक्षरों के मुताबिक, नो डिजीज कैन सर्वाइव इन एन एल्कलाइन एनवायरनमेंट, यानी एल्कलाइन शरीर में कोई भी बीमारी पनप नहीं सकती। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये बात दावे से कही जा सकती है कि अगर शरीर को स्वस्थ है बनाना, तो एल्कलाइन पानी ही होगा अपनाना।